हेलो हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 2 फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट किया तो आपको नोटिफिकेशन आए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। तो पहले क्वेश्चन क्या है देखिए फ्रेंड्स। An area overhead water tank is in the shape of a cylinder, has capacity of 61.6 cubic meters. The diameter of the tank is 5.6 meters. Find the height of the tank. So, देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। एक टैंकर है, ओवरहेड वाटर टैंकर इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो एक जो टैंकर है की शेप है सिलेंडर की शेप है, जिसका कैपेसिटी है 61.6 क्यूबिक मीटर्स। तो जिसके अंदर वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब क्या, वॉल्यूम कितना हो सकता है उसके अंदर, पानी कितना आ सकता, दैट इज वाटर, इट इज इन 61.6 क्यूबिक मीटर्स। द डायमीटर, तो टैंक का सिलेंडर का डायमीटर दिया सो है 5.6, नॉट ए रेडियस, तो अपन को रेडियस निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टैंक, ये बहुत सिंपल है फ्रेंड। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सिलेंडर ले रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि उसका हाइट दिया सो है फ्रेंड्स उसको 5.6। मैंने एक सिलेंडर लिया हूँ फ्रेंड जिसका डायमीटर दिया सो है 5.6 मीटर्स डायमीटर दिया सो है। ओके, अपने को पूछ रहा है कि कैलकुलेट हाइट बोलकर बोल रहा है फ्रेंड। ओके, तो आप क्या दिया हो पहले वो लिख लीजिए। सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया सो है फ्रेंड, वॉल्यूम कितना दिया अपने को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया सो है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर एच, विच इज इक्वल टू 61.6 दिया सो, और अपने को डायमीटर दिया सो है फ्रेंड्स, और अपने को डायमीटर दिया सो है फ्रेंड, डाया ऑफ सिलेंडर कितना दिया सो है 5.6, बट अपने को रेडियस होना है जो कि डायमीटर का हाफ रहता है, तो 5.6 बाय 2 करेंगे तो आपको 2.8 मीटर्स। ओके, सो अभी अपन क्या करेंगे फ्रेंड, अपने को रेडियस आ गया, क्या अपन इसकी मदद से एच वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, देखेंगे अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, 2.8 मीटर्स तो आर वैल्यू आ गया, अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, पाई का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 22/7, आर क्या मैं 2.8 को मैं 28/10 बोलकर लिखूं, और ये दो बार है आर स्क्वायर, तो मैं 28/10 दो बार लिख दूंगा। एच का वैल्यू ही निकालना है, 61.6 को क्या मैं पॉइंट हटा के फ्रैक्शन में कर दूं। ओके, सो अभी जो भी कैंसिल हो रहा है, 4 28, फिर क्या 2 2 4, 2 5 10, ओके नाउ 14 और ये 5, तो अपने क्या आया फ्रेंड्स 22 × 2 × 14, दैट इज 28 बाई नीचे जस्ट 5 × 5 बचा, क्लियर। और राइट हैंड साइड पे इंटू एच भी है यहाँ पर 616/10। अभी देखिए फ्रेंड, जो भी डिनोमिनेटर में है लेफ्ट हैंड साइड पे, जब आप उसको राइट हैंड साइड पे भेज रहे तो वो न्यूमरेटर में चले जाता, और जो भी न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाता। ओके, सो देखिए एच इक्वल टू 616, ये 5 × 5 ऊपर चले जाता, डिवाइडेड बाई 10 × 22 × 28। ओके, सो 11 2 22, 11 5 55, बचा कितना फ्रेंड 6, तो 66 हो गया, तो 6 टाइम्स जाता। ओके, फिर से 2 1 2, और ये 2 4, बचा 1, तो 6, सो दैट इज 16, बोलते 8 टाइम्स हो गया। फिर 28 1 28 1, 5 1 5 2, तो बचा क्या 5/2। ओके, सो एच का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 5/2, जो कि 2.5 सेंटीमीटर हो गया। सो देयरफॉर द हाइट एच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर फ्रेंड, मैंने बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करा हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर।
आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।